जैसे किसी परीक्षा में पास होने के बाद इनाम के तौर पर बच्चे को ललचाया जाता है, बहलाया जाता है, और बखूबी इसीलिए कि इनाम लेने के लिए मेहनत की जाएगी और उसके बाद ज्यादा उभर कर रिजल्ट ज्यादा अच्छे से लाए जाएंगे, ऐसा ही एक्सपेक्टेशन कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं से कर रही है, कार्यकर्ताओं से कर रही है। और सबसे ज्यादा बात जिसकी हो रही है वो है सचिन पायलट की। क्या सचिन पायलट का रिजल्ट देखने के बाद उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा? क्या उनको भी वो इनाम दिया जाएगा जिसका कब से वेट किया जा रहा है? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया कि जब हम रिजल्ट की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम बच्चे को भी लॉलीपॉप देंगे, इनाम देंगे, ऐसे कह के बहला देते हैं कि रिजल्ट अच्छा आए फिर बाद में इनाम दिया जाएगा, ऐसा ही कुछ सचिन पायलट के साथ कांग्रेस कई समय से करती हुई आ रही है। आप लोकसभा में देख लीजिए, उससे पहले देख लीजिए, और अब उपचुनावों की जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी तरह से सचिन पायलट और उनकी टीम के ऊपर ही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पायलट को प्रमोशन मिलेगा इन विधानसभा उपचुनावों के बाद? देखिए, जब सचिन पायलट की बात की जाती है तो वो अपने कुनबे के वो बच्चे हैं जो धैर्य से लगातार निष्ठा से काम करते जा रहे हैं और बिना फल की इच्छा के काम करते जा रहे हैं। फल की इच्छा उनके समर्थक जरूर करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर, उनके मोहरे पर कभी वो इच्छा दिखी नहीं। आप इस बात को समझिए, ऐसे अमूल्य कार्यकर्ता को भी अगर आप इनामित नहीं करते हैं या बार बार जीतकर बार बार अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के बाद भी उन्हें आप आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा, तब अगर उनका घड़ा फूटेगा तो फिर इस पूरे संस्थान के पास कोई और नहीं बचेगा, क्योंकि सचिन पायलट का आज की डेट में कांग्रेस के अंदर कोई विकल्प नहीं है। और इसीलिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के पीछे कौन था, 22 सीटों से 100 सीटों तक आने के पीछे कौन था, ये सब जानते हैं, सचिन पायलट थे। और अब अगर उपचुनाव में भी अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो उसके पीछे भी सचिन पायलट ही होंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को, जो कि हाल ही में अपनी सद्बुद्धि में आई थी, उनको अब बहुत तरीके से सचिन पायलट को सम्मान करना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए पूरी की पूरी कांग्रेस की कौम को कि जो बढ़िया काम करता है, निष्ठावान रहता है, धैर्यवान रहता है, उन्हें धैर्य का फल मीठा होता है। ये कहावत यथार्थ करके दिखाती है। कांग्रेस परिवारवाद की कहावतों को, परिवारवाद की बात को पूरी तरह से नकारती है कांग्रेस। ये तभी हो पाएगा जब वो एग्जाम्पल सेट करेंगे, और अगर इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं सचिन पायलट और उनकी टीम, तो सचिन पायलट को कांग्रेस को बड़े लेवल पे प्रमोट करना चाहिए। और अब इसकी आशाएं इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में कमान पहले के बनिस्पत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं ये जो यंग पीढ़ी कह सकते हैं या सोनिया गांधी के बनिस्पत यंग पीढ़ी कह सकते हैं, उनकी नजर में सचिन पायलट की अहमियत सच में बहुत ज्यादा है। और इसलिए अब उम्मीदें भी तमाम सारे कार्यकर्ताओं की ज्यादा है। अगर ऐसा हो जाता है, ये कोई बड़े लेवल पे प्रमोट हो जाते हैं, तो उससे फर्क ये पड़ेगा चेतना सबसे बड़ा कि तमाम सारे कार्यकर्ताओं में जो अब तक इस शक के साथ कांग्रेस में थे कि जब सचिन पायलट जैसे निष्ठावान का कुछ नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा, उनको जवाब मिल जाएगा, उनको वजह मिल जाएगी क्यों वो काम धाम सब छोड़कर कांग्रेस के लिए काम करें, उसका उन्हें रीजन मिल जाएगा और कांग्रेस की दशा और दिशा सब कुछ बदल जाएगी। तो सचिन पायलट के साथ अच्छा करने से न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बड़ा मैसेज जाएगा बल्कि पूरे भारत भर में जो उनके चाहने वाले हैं उनको एक बड़ा मैसेज जाएगा, और ये मैसेज वो ये होगा कि कांग्रेस बदल रही है, अब भाजपा तुम
संभाल संभल जाओ, तुम संभाल लो चीजों को, नहीं तो कांग्रेस अब बड़ा ऑप्शन बनने को तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी में जो हो रहा है, चल रहा है, आंतरिक कलह से लेकर कार्यकर्ताओं के उत्साह के गिरने तक जितनी भी चीजें चल रही है उनको देखकर कार्यकर्ता और भी शिथिल होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ देखेंगे तो उनमें एक अलग ही तरह का जोश भर चुका है, और ये कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लाइमलाइट में आने से, उनका कद बढ़ाने से संभव हो पा रहा है। लेकिन अगर आप इनाम के तौर पर कह रहे हैं कि कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, पहले से ही सचिन पायलट को अशोक गहलोत के जब से दूर हुए हैं कांग्रेस से, वो उसके बाद से सचिन पायलट का कद वैसे भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या ऐसा हो जाएगा तो आंतरिक कलह फिर से जन्म ले लेगी? देखिए, अशोक गहलोत को अब कांग्रेस की आलाकमान कहीं ना कहीं पूरी तरह से नकार चुकी है, और न सिर्फ कांग्रेस की आलाकमान बल्कि जो गठबंधन की राजनीति है वो भी, और सब लोग उनको नकार चुके हैं, और उस नकारने की वजह भी उन्होंने बहुत सारी दे दी है, और पता चल गया है कि वो किस हद तक जा सकते थे अपनी गद्दी को बचाने के लिए, वो सब कुछ अब एक्सपोज हो चुका है। अब अगर कांग्रेस अशोक गहलोत को कभी वापस लाती है तो फिर उनका ओखली में सर देने वाली बात होगी ये, लेकिन अब लगता नहीं है कि वैसा होगा। जब कोई वापस आएगा ही नहीं तो आगे कलह की तो कोई बात ही नहीं होती। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अशोक गहलोत के एक वक्त के साथी भी अब सचिन पायलट की तरफ आने लग गए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा की मैं बात कर रहा हूं, तो अब अशोक गहलोत बीता पन्ना होते जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अशोक गहलोत बीता पन्ना तो होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो चुप तो नहीं बैठ रहे, खुद नहीं बोल रहे, लेकिन अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास से उन्होंने अपने ओएसडी के लिए जो भी बुलवाया, उनका कहना था कि ओएसडी ने भी कोई कम मलाई नहीं खाई है जब से ओएसडी ने खुलासे किए हैं। उसके बाद से अशोक गहलोत वाकई में जो गहलोत चैप्टर था वो क्लोज तो हुआ है, लेकिन वो अभी भी अपने किसी ना किसी नेता से कोई ना कोई विवाद जरूर खड़ा करवाने में लगे रहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस बात को समझिए, कौन है प्रताप सिंह खाचरियावास? आज की डेट में प्रताप सिंह खाचरियावास विधायक भी नहीं, तो उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, ये सबसे बड़ी बात आती है। अशोक गहलोत के बारे में सोशल मीडिया पर आप देखिए, कुछ बात करके देखिए, ना उसको लोग देखना चाहते हैं, ना उसको कोई सुनना चाहता है, ना उस पर कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करना चाहता है, ना अशोक गहलोत की कुछ लोकप्रियता बची है, तो अशोक गहलोत है ही कहाँ जी। अब उनके बारे में बोलने सुनने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और अब अंततोगत्वा कांग्रेस के आलाकमान को शायद ये समझ में आ गया है कि अशोक गहलोत कोई लोकप्रियता कैरी नहीं करते, वो जो पॉलिटिकल गणित लगाते थे वो भी अब बीते जमाने की हो चुकी है, तो अब कुछ खास बचा नहीं उनमें जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे पायलट को भी इनाम मिलता जाएगा, प्रमोशन मिलता जाएगा, तो जो पायलट की टीम है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से लाइमलाइट में आ जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी युवा ब्रिगेड टीम हो, जिसमें भाकर से लेकर तमाम सारे वो कार्यकर्ता है जिन्होंने सचिन पायलट के लिए और सचिन पायलट को वो सब कुछ मिले उसके लिए जी जान लगा दी थी। देखिए, सचिन पायलट शख्स है वो जो अपने से पहले अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं जी। तो वो अगर बढ़ेंगे तो कार्यकर्ता दो कदम बढ़ेंगे, वो एक कदम बढ़ेंगे तो कार्यकर्ता दो कदम बढ़ेंगे, और कार्यकर्ताओं को आगे रखकर उनके पीछे चलने वाला लीडर है सचिन पायलट, और वही असली लीडर होता है जो अपने से नीचे वालों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है, और इसीलिए सचिन पायलट के सब मुरीद हैं, सचिन पायलट को सब चाहते हैं जी। अब देखना ही वाकई में दिलचस्प होगा कि उपचुनाव के रिजल्ट सचिन पायलट के लिए कितने अच्छे दिन लेकर आते हैं। सचिन पायलट के साथ साथ उनकी टीम को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें पूरी हो पाती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप जरूर बताइएगा। अगर आपने सुना है पूरा वीडियो, समझा है मुद्दे को, तो बताइएगा कि आपकी क्या है राय इस मुद्दे पर, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो, ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion, and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background, like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc., are getting more engagements and clicks. I myself created few, and they worked so well.
If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.